तो क्या आप भी अपने बियर्ड को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं? यही क्वेश्चन होता है आजकल के टीनेजर्स के कि वो कैसे अपने बियर्ड जल्दी ग्रो करें, क्योंकि वो उनको चाहिए एक फुल बियर्ड, क्योंकि बियर्ड देती है एक मैस्कुलिन लुक, जो मैस्कुलिन लुक हर किसी को अच्छा लगता है। सो गाइस, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में तो आपको कौन कौन से वो टिप्स फॉलो करने हैं जिनसे आपकी बियर्ड जल्दी ग्रो हो जाएगी और आप भी पाओगे फुली बियर्ड लुक। तो गाइस, ये मेरा नया हेयर स्टाइल है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है इसकी हेयर स्टाइल की, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है, इसकी वीडियो देखनी है तो कमेंट करो नीचे। सो गाइस, टिप नंबर 1 है एक्सफोलिएट योर स्किन। ये चीज मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको अपनी हर वीडियो में, एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन। तो ये क्या काम करता है, ये आपकी बियर्ड को जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करोगे या स्क्रब से, तो आपकी बियर्ड को ये हेल्प करेगा ग्रो करने में, आपकी जो भी स्किन में डेड स्किन सेल्स है सबको हटाएगा। सो जब आप अपनी स्किन एक्सफोलिएट करते हो तो उससे आपकी जो बियर्ड ग्रोथ में हेल्प होती है और भी ज्यादा फास्ट रैपिडली आपकी बियर्ड ग्रोथ होती है। तो इसीलिए एक्सफोलिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला स्टेप है, ये आपको फॉलो करना है। सेकेंड टिप है स्लीप। आपको अपनी बियर्ड के लिए एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी बियर्ड ग्रो करनी है उसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम स्ट्रेस लेना पड़ेगा। आपको अपनी बियर्ड ग्रो करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल कम कर देना है। तो स्लीप 7 to 8 आवर, ये है सेकंड टिप। अब बढ़ते थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप है लेट इट ग्रो। अपनी बियर्ड को ग्रो होने दो, ना उसको शेव करो ना उसको ट्रिम करो, कुछ नहीं। अपनी बियर्ड को पहले 3 to 4 वीक इसको बिल्कुल ग्रो होने दो, बिल्कुल रेजर को हाथ नहीं लगाना। जितनी ग्रो हो रही, जैसी ग्रो हो रही होंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके बियर्ड में कहाँ कहाँ पैचेस है। जैसे मेरे यहाँ हल्के हल्के पैचेस आते हैं, हल्के हल्के, जब मैंने पूरे अपनी बियर्ड ग्रो करी थी उसके बाद मेरे को पता चला जहाँ जहाँ मेरे बियर्ड नहीं आ रही वो मेरा पैची एरिया है। तो थोड़ी जैसे यहाँ बियर्ड नहीं आती, हल्की जैसे यहाँ नहीं आती, तो ये मेरा पैची एरिया है। सो गाइस, ऐसे आपको 3 to 4 वीक अपनी बियर्ड को कंटिन्यू ग्रो करके रखना है, उसके बाद आपको पता चलेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी कहाँ पर पैची बियर्ड आती है। तो दोस्तों, बियर्ड उगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बियर्ड उगा रहे हो तो कैसे झाड़ फूड उगाओ, किसने भी लंबे बाल रखो, इसका मतलब उसको अच्छे से टेक केयर भी करना पड़ता है, इसलिए उसको स्टाइलिंग भी करनी पड़ती है, ट्रिम भी करना पड़ता है हर जगह से। सो जब आपकी बियर्ड एक लिमिटेड लेंथ तक ग्रो हो जाए, देन उसके बाद आप उसको ट्रिम करते हो, शेप दे सकते हो अच्छी सी, जिससे कि वो नीट एंड क्लीन लगे। तो ये चीज भी आप ध्यान रखनी है आपको अपनी बियर्ड ग्रो करते टाइम। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 4, विटामिन मिनरल्स, जो आपकी बियर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए भी एंड आपकी हेयर्स के लिए भी। तो हेयर्स और बियर्ड एक ही चीज है, तो इस विटामिन एंड मिनरल्स का कोई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करेगी। सो गाइस, आपको कौन कौन से विटामिन की जरूरत होगी अपनी बियर्ड को ग्रो करने के लिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो ये सारे बेनिफिट करेंगे आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए, ये मस्ट है। और आपको बियर्ड ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फिश, एग, मीट, चिकन, इन सब चीजों से मिल सकता है। विटामिन एंड प्रोटीन एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें आपको चाहिए, जरूरी चाहिए। सो गाइस, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। सो गाइस, मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ, जो कि है वाटर इनटेक। अपनी डेली लाइफ में आप 4 to 5 लीटर पानी जरूर पीना आपको, जिससे कि आपकी स्किन ग्लो होगी और आपकी जो हेयर ग्रोथ में वो भी इसमें हेल्प करेगी। एंड लास्ट एंड द फाइनल टिप इज 5th टिप, जो कि है ऑयलिंग योर बियर्ड। सो गाइस, ऑयलिंग से फायदा क्या होगा हमको? ऑयलिंग से हमारी बियर्ड ग्रोथ में जो स्कैल्प है उसकी रूट में नरिशमेंट होगी, जिससे कि आपकी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प होगी। सो कौन सा ऑयल आपको यूज करना है? आपको यूज करना है आमला ऑयल। आमला ऑयल आपकी बियर्ड ग्रोथ में रैपिडली आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। सो आमला ऑयल एक नेचुरल रेमेडी है आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए। तो आपको आमला ऑयल यूज कैसे करना है? आपको अपने हाथ में कुछ ड्रॉप्स आमला ऑयल के लेनी है, रब करना आपको अच्छे से, बिल्कुल मसाज करना अपने बियर्ड में जितनी भी आपकी बियर्ड है। देन लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड देन उसके बाद आपको कोल्ड वाटर से अपना फेस वॉश करना है, बस दैट्स इट। ये आपको प्रोसेस वीक में 3 to 4 टाइम यूज करना है, उसके बाद आप देखिए आपकी बियर्ड में कैसे ग्रो होगा। सो गाइज, आई थिंक आपको ये सारी टिप्स हेल्पफुल लगेगी। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या आप बता सकते हो मुझे कि आपको कौन सी टिप्स ज्यादा हेल्पफुल लगी कमेंट करके। एंड हमारे इंस्टा और एफबी को फॉलो करना मत भूलना। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन इसको दबाना मत भूलना, और साइड में बेल आइकन भी है, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे सेक्सी।